विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड टीमों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के 72 घंटे पहले फ्लाइंग स्क्वाड की टीम को बढ़ाया जाता है, जिसको देखते हुए पहले जिले में कुल 27 फ्लाइंग स्क्वाड टीमें कार्य कर रही थीं, अब उसको बढ़ाकर एक विधानसभा में 9 टीम को किया गया है। अब पूरे जिले में कुल 81 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि नई बनाई गई फ्लाइंग स्क्वाड की टीमों को प्रशिक्षण दिया गया तथा किसी विधानसभा में किस तरह से कार्य करेंगे कि चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभन, शराब बांटने की कार्य की शिकायत हो तो तत्काल उस पर कार्यवाही करके प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई किया जा सके, जिससे कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह तथा जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, 50,000 से ऊपर की जो भी आपके पास टैक्स की रिकवरी होगी उसके बारे में पूछताछ करके संतुष्ट हो लेना। 10,00,000 से ऊपर अगर कोई मिलता है कहीं किसी के पास टैक्स, इसीलिए इनकम टैक्स से एक जो है स्पेशल नोडल इसके लिए नामित किए गए हैं, वहाँ इन्फॉर्म करना है, वो आएंगे, उनके सामने टीचर होगा, जो भी प्रक्रिया होगी वो आपको बताएंगे। आपके साथ पुलिस के लोग रहेंगे ही, एक पंचनामा का स्वरूप है, जब भी किसी से जब्ती करेंगे तो उस स्वरूप वो पंचनामा भर के आप उनको रसीद के रूप में देंगे, ठीक है। शेष जो है कोई ऐसी बात नहीं, बहुत सामान्य बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है, कोई भी ऐसी चीज़ जो मतदाताओं के प्रलोभन के लिए या उनके मत को प्रभावित करने के लिए यूज हो सकती है, और जैसे ही आप इस पर जुड़ेंगे तो जितने भी गाइडलाइंस हैं उस पर हम सर्कुलेट करते रहते हैं, जो भी नया डायरेक्शन हमको आयोग से मिलता है, जो भी नई चीज़ आती है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है वो आप लोग पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा, और व्हाट्सएप कनेक्ट करा दीजिएगा तो सारी सूचना मिलेगी। आप कभी भी 24 घंटा फ़ोन करेंगे, आप लोग हरदम तत्परता से उस पर लगे हुए हैं, कहीं कोई डाउट होता है तो आप क्लियर कर सकते हैं, आप लोगों से कर सकते हैं, हमसे कर सकते हैं, एडीएम एफआर साहब हैं, एडीएम सिटी साहब हैं, कहीं भी कोई भी व्यवधान आता है तो हम लोग उस समस्या का समाधान करने के लिए हमें लीगल का प्रयोग करता है, शराब का भी, तो ये सब चीज़ों को विशेष रूप से काटना है। अगर कहीं सूचना मिलती है किसी गांव में, वो सूचना आपको किन माध्यमों से मिल सकती है? एक तो आपकी विधानसभा निर्धारित है कि आप किस विधानसभा में ड्यूटी पर हैं, उस विधानसभा का एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है जो कि आप लोग पहले का चुनाव कराए होंगे जानते होंगे, यहाँ पे 7 तहसीलों में 7 एसडीएम हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं। इसके अतिरिक्त पिपराइच और ग्रामीण विधानसभा में एसीएम फर्स्ट ग्रामीण विधानसभा के और पिपराइच विधानसभा के एसओसी साहब आपके रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनका सबका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, अभी हम शेयर कर देंगे आपको, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है साहब, प्लीज आप अपना नंबर बता दीजिए, इन लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा तो आप उसे दे। 51860 एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, 94157 51860। मेरा नंबर भी आप लोग, तो मैंने पहले आपको बताया कि आपको एक रिटर्निंग ऑफिसर आपके होंगे, उनके डिस्पोजल पे आप रहेंगे, वो आपको सूचित करेंगे कि आपकी ड्यूटी कहाँ पे रहेगी। ग्रुप वही नंबर कंफर्म कर दे, वही सबसे जरूरी है, ऐसा है चूंकि एसएससी टीम हमारी काम कर रही है, जैसे आप ग्रुप पर जुड़ेंगे देखिए, भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मतदान प्रारंभ होने के 72 घंटे पूर्व फ्लाइंग स्क्वाड की टीमों को बढ़ाया जाता है, उसके क्रम में जिले में कुल पहले जो 27 टीमें कार्यरत थीं, अब उनकी संख्या प्रति विधानसभा एक समय में 3 टीमें, इस तरह से 81 टीमें कार्यरत होंगी और फ्लाइंग स्क्वाड की, उसमें जो नई टीमों का गठन किया गया है उनकी सबकी आज प्रशिक्षण दिया गया है उन्हें, और उनको बताया गया है उनको किस प्रकार से कार्य करना है, ताकि किसी प्रकार से मतदाताओं को प्रलोभित करने का कोई कार्य हो या मतदाताओं में दारू बांटने, पैसा बांटने इत्यादि की कोई शिकायत हो तो उसको तत्काल रिस्पांस करके उनको हैंडल किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से मतदान कराया जा सके, इसके लिए आज ये बैठक संपादित की गई है। अभी अंतिम 4 दिन मतदान के पूर्व 4 दिन के लिए हमने सभी उड़न दस्तों की संख्या 3 गुना कर दी गई है, प्रत्येक विधानसभा में 9 टीमें प्रत्येक शिफ्टों में तैनात की जा रही हैं, तभी नाकाओं पे और स्टैटिक सर्वेलेंस टीमों की संख्या भी 3 गुना कर दी गई है और उनको प्रशिक्षण देकर तैनात किया गया है, पूरी वाहन की व्यवस्था के साथ और उनकी जीपीएस ट्रैकिंग हो रही है, हमारे सभी पुलिस पिकेट्स और थाना मोबाइल सक्रिय हैं, कार्य कर रहे हैं, क्यूआरटी टीम सक्रिय हैं, अभी आज हमारे पास जो फोर्स अन्य जनपदों में जाती है वो वापस आ रही है, उसके क्लस्टर टीम्स के डिप्लॉय कर
रहे हैं, सभी कस्बों में सभी गाँव में भ्रमण किया जा रहा है। हमारे SDMs और CEOs संयुक्त रूप से भ्रमण कर रहे हैं। जो सुपर नोडल अधिकारी हमने ADM लेवल के अधिकारियों को और ASP लेवल के अधिकारियों को तैनात किया, वो भी लगातार अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। कड़ी निगरानी की जा रही है, वेबकास्टिंग डिप्लॉय हुआ है और अतिशीघ्र उसमें कंट्रोल रूम से उसको फीड देखा जाएगा। पोलिंग पार्टियों को निगरानी रखने के लिए हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात हैं, वो भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट जोनल मजिस्ट्रेट हमें रिपोर्ट दे रहे हैं कि गाँव में या अपने अपने बूथों के पास कहीं पर भी कानून व्यवस्था संबंधित कोई बिंदु हो, प्रलोभन या किसी तरह के आचार संहिता का उल्लंघन करने की बात हो, उसकी निगरानी की जा रही है। अगर कोई ऐसी बात आती है तो कड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।